हमारे 29 तारीख को गांव जाएंगे जाएंगे वोट किसको देंगे? मोदी जी को। अच्छा, मोदी जी को, देव जी भाई पटेल को देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष कोई प्रधानमंत्री दावेदार देश में? अभी तो कोई नहीं है, लेकिन भविष्य के अंदर हम योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं। बाकी तो अभी कोई नेता ऐसा नहीं है जो बीजेपी या किसी भी पार्टी के अंदर जो मोदी के लेवल पर हो। आपका शुभ नाम? जेठमल मोदी, गांव दातिया, सांचौर, जालौर। क्योंकि अभी तीन व्हीकल के भाजपा ही क्यों, मोदी जी क्यों और देवजी भाई क्यों? देवजी भाई इसलिए क्योंकि बूटा सिंह गृह मंत्री होते हुए भी 15 साल सांसद रहते हुए भी केवल चुनावों के अंदर आते थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। और देवजी भाई ने 10 सालों के अंदर जो विकास किया है, जो आम जनता से जुड़े हैं, उसके लिए देवजी भाई। दूसरी बात है कि मोदी जी क्यों, देश हित में, राष्ट्र हित में और देश को सुरक्षित रखने के लिए मोदी जी जरूरत है। और भाजपा ही क्यों, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो किसी भी धर्म या कौम पर राजनीति नहीं करती है, न जातिगत पर करती है, वो केवल और केवल देश हित के बारे में ही सोचती है। चुनाव तो सिरोही जालौर में हो रहे और मुंबई में क्यों चुनाव कर ले? हम प्रवासी सभी मोदी जी के लिए ही, हर पूरे देश में मोदी जी का ही वोटिंग है। इसके लिए भले चाहे कहीं पर भी हो, हम मुंबई में नहीं, और भी अपना देश है जहाँ बेंगलोर, कलकत्ता, महाराष्ट्र, जहाँ पर ये सब जगह पे कार्यालय खोला रखा है, और सभी लोगों हम लोग मोदी जी का सपोर्ट करेंगे और मोदी जी हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरा नाम दयाराम कांची है, मैं डब्बाल से हूँ। आपका नाम? रमेश पटेल, किलुआ, सांचौर तहसील, जिला जालौर से। और महाविद्यालय खुला है, ट्रेनें भी दी है, मैंने देखा है कॉमोडोर से एक ट्रेन भी चालू करवाने के लिए बहुत प्रयास किए से हम। मेरा नाम मुकेश कुमार मोदी है, मैं सांचौर विधानसभा क्षेत्र से हूँ, जालौर सिरोही। हमारे देवजी भाई पटेल इस बार फिर से टिकट लेकर आए हैं, तो मैं लगातार उनको तीसरी बार हैट्रिक की पहले से ही अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि ये तय है ये मोदी लहर है, इसलिए विपक्षी उस लहर में बिल्कुल उड़ जाएंगे और उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। आपका शुभ नाम? उसको छोड़ते हैं। जीवाराम जी मोदी। तो इस बार क्या मानस बनाया है कि देवजी भाई पटेल को क्यों देंगे वोट? अच्छे काम किए आगे, और देवजी भाई को वोट देंगे, उसके आगे नरेंद्र मोदी जी को आप मजबूत करेंगे। आपका शुभ नाम? वागाराम सुतार। गांव आपका? बीजेपी लगता है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। आपका शुभ नाम? जय सिंह राजपुरोहित, खिरोड़ी, गांव शीतलवाना। आपका शुभ नाम? नारायण मोदी, सांचौर। आप युवा है, आप युवा की दृष्टि से इस चुनाव को कितना महत्व देते हैं? ये युवाओं का देश है, और मैं युवाओं से आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक बार फिर मोदी जी की सरकार बने, क्योंकि मोदी जी की सबकी निगाह टिकी है पूरे विश्व की और हर युवाओं की देश के ऊपर, ताकि युवाओं को भी मालूम पड़े कि ये हमारा भारत है और राष्ट्र हित और देश हित के लिए हम मोदी जी को वोट देंगे। कैसे चाहिए कि मोदी चाहिए? मोदी जी, मोदी। अच्छा, आप